नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमारी आज की वीडियो उन पति पत्नी या हस्बैंड वाइफ के लिए है जिनके बीच में अक्सर झगड़े होते रहते हैं। दोस्तों, क्या आप पति पत्नी या हस्बैंड वाइफ के बीच में भी छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन रहती है या लड़ाई झगड़े होते रहते हैं? क्या आप दोनों के रिश्ते में भी कमी आ रही है? दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हम आपको बताएंगे पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े किन कारणों से होते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जो पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, किसी भी समझदार पति या पत्नी को झगड़ा करने में मज़ा नहीं आता, मगर फिर भी मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी में खटपट हो ही जाती है। दोस्तों, झगड़ों की शुरुआत अक्सर कुछ इस तरह से होती है। पति या पत्नी कुछ ऐसी बातें कह देता है या देती हैं जिससे दूसरा चिढ़ जाता है। देखते ही देखते वे एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, गुस्से की आग भड़क उठती है, और अगर इससे एक ज़बरदस्त झगड़ा छिड़ जाता है तो दोनों पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, फिर अचानक से खामोशी छा जाती है, दोनों आपस में बात न करने के लिए अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। इसके कुछ समय बाद उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं। फिर घर में शांति होती है। कम से कम अगले झगड़े तक पति पत्नी के बीच तूतू मैं बहुत से चुटकुलों और टीवी कार्यक्रम का विषय बन चुकी होती हैं। दोस्तों, मगर हकीकत में कोई मजाक की बात नहीं है। बाइबल का भी यही कहना सही है, बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है। जी हाँ, कड़वी बातें दिल में गहरे जख्म छोड़ देती हैं, जो बहस ख़त्म होने के काफ़ी समय बाद भी अंदर भरते रहते हैं। कभी कभी झगड़े वक्त पति पत्नी हाथापाई पर भी उतर आते हैं, ये सच है। इंसान की असिद्धता की वजह से शादीशुदा जिंदगी में आने वाली समस्याओं से बचना कभी कभी नामुमकिन सा हो जाता है। फिर भी जब झगड़े बढ़ जाते हैं और अक्सर होते होते, तो यह कह कर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि ऐसा तो होते ही रहते हैं। विशेषज्ञों ने गौर किया है, अगर पति पत्नी के बीच बहस करने की आदत पड़ जाए तो उनमें तलाक होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप पति पत्नी दोनों शांति से झगड़ों को निपटा लें। दोस्तों, अगर आपके बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं तो यह देखने की कोशिश कीजिए क्या आपके झगड़े की शुरुआत और अंत किसी खास तरीके से होता है। जैसे किसी बात को लेकर जब आप दोनों में मतभेद होता है तो इसके बाद क्या होता है? क्या आपकी बातचीत काबू से बाहर हो जाती है और आप एक दूसरे को बेइज्जत करने और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगते हैं? अगर हाँ ऐसा है तो आप हमारे पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे दिए नंबर पर कॉल करके पति पत्नी के झगड़ों को ख़त्म करने के लिए सल्यूशन पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पंडित जी आपको पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े, हस्बैंड वाइफ के बीच हो रही छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन को समाप्त करने के बहुत ही सरल उपाय आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जांच कीजिए कि उस समस्या में खुद आपका कितना हाथ है। क्या आप हर छोटी छोटी बात पर भड़क उठते हैं? क्या आप झगड़ालू हैं? इस बारे में आपके साथी की क्या राय है? इस आखिरी सवाल की जांच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झगड़ालू होने का मतलब क्या है, इस बारे में आपका और आपके साथी का नज़रिया शायद अलग हो सकता है। दोस्तों, यह भी याद रखिए कि बहस करने का मतलब हमेशा चीखना चिल्लाना नहीं होता। फोलुत ने मसीहों को लिखा, चीख चिल्लाना और निंदा तो तुम अपने भीतर से निकाल बाहर फेंको। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा चीखते चिल्लाते हो या ज़्यादातर गलती आपकी होती है, तो आप भी को भी अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। आपको भी कुछ बातों को नज़रअंदाज करना होगा, जिससे आप पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े कम हो सके। दोस्तों, झगड़ों से निपटने का एक और तरीका यह भी है, चौकस रहो कि तुम किसी रीति से सुनते हो। यह सच है कि इस आयत में यीशु पति पत्नी के बीच होने वाली बातचीत के बारे में नहीं बोल रहा, मगर फिर भी इसमें जो सिद्धांत दिया गया है वह जरूर लागू होगा। आप अपने साथी की बातें कितनी अच्छी तरह सुनते हो, क्या आप उनकी बातें सुनते भी हो या नहीं? क्या आप समस्याओं को पूरी तरह समझने बिना ही उसी बात को टोक कर कुछ मामूली सा हल बता देते हैं? दोस्तों, आपके पति किस बात पर आप पर चिल्लाते हैं, या वो किस बात से आपसे नाराज़ होते हैं, या आपको किस बात पर उनकी गुस्सा आता है, या आप किस वजह से अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती हैं? दोस्तों, आपको दोनों को ही समझना होगा कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा अक्सर किन वजह से होता है। अगर आप में छोटी छोटी की बातों को ही लेकर अनबन होती है, तो आप अपने कही हुई बातों को पहले ध्यान से समझिए, फिर बोलिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, छोटी छोटी बातें ही तलाक का
तलाक का नाम ले लेती हैं, जिनकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ी दरार आ सकती है। इसलिए दोस्तों, पति पत्नी का झगड़ा जितने जल्दी ख़त्म हो सके उतना ही अच्छा होता है। पति पत्नी का झगड़ा किन कारणों से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, आप पति पत्नी के झगड़े को अगर समाप्त करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, आप हमारे दिए नंबर पर संपर्क करके हमारे पंडित जी से इस समस्या का हल पा सकते हैं। हमारे पंडित जी आपको पति पत्नी के बीच या हस्बैंड वाइफ के बीच हो रही लड़ाई झगड़ों को जड़ से ख़त्म करने के बहुत ही आसान और सरल उपाय बताएंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, हमारे पंडित जी से कॉल करके आप किसी भी समस्या का समाधान बड़े आसानी से पा सकते हैं। धन्यवाद।